सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। आई थिंक अगर मुझे कहना है कि घर में प्लेयर्स कौन कौन है तो वो है अर्चना और शिव, वो दोनों खेल रहे हैं। Vikas Manaktala, who has been a part of popular shows like Left Right Left, Gulam and more, is all set to venture inside the Big Boss 16 house as a wildcard contestant. Right before entering the show, Vikas got in an exclusive conversation with us and this is what he has to say. So Vikas, how excited are you to begin this new journey? Main kafi excited hoon kyunki kafi time tak I was not open, but suddenly jab aap kisi cheez ke liye open ho jate hain aur aapko usko experience karne ke liye open hote hain to kamal ki feeling hai. And I'm very happy that the show is doing so well. It's receiving so much of love from fans and viewers. And it's a great show to be a part of, to receive all that love. Why exactly itni waqt baad you decided that this was the season you wanted to be a part of? Because I think as a person, also as a performer, maine har kaam jo bhi kiya hai, wo usse alag kiya hai. Aisa nahi hai ki ek bhi show jo kiya hai, usme dusra kirdar bilkul bhi same nahi tha. To wo just in life, I like to experience variety of things. So, उसी में जैसे ये बिग बॉस है, बहुत ही अनयूजुअल और यूनिक शो जो है, तो बहुत हिम्मत करनी पड़ी, बट मुझे लगा चल देखा जाएगा। When the show was offered to you, how long did you take to decide on doing this show? And Gunjan की क्या एडवाइस थी? I think करीबन 5-6 साल लग गए ये डिसाइड करने में। Okay. जी तो so this was the fifth time जो मुझे ऑफर हुआ, और इनफैक्ट शुरुआत में भी हमारी बातचीत हो रही थी टीम के साथ, और बट फॉर सम रीजन्स इट डिडंट हैपन एट दैट टाइम। और जब वो वापस आई वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए, तो बिकॉज आई हैड मेड अप माय माइंड एंड आई एम ओपन टू डूइंग इट एंड आई वाज एंड आई स्टिल एम एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट नाउ, यू नो दैट आई एम वुड बी एक्सपीरियंसिंग दैट गुड बैड अगली, वो तो वहाँ जाके पता लगेगा, बट आई एम वेरी हैप्पी। एंड वंस दिस केम वी डिसाइडेड कि यार करते हैं। हाउ मच आर यू फॉलोइंग दिस शो दिस सीजन? आई हैव फॉलोड, मतलब पूरी तरह नहीं बट किया है जी, टू एन एक्सटेंट, तो इतना कि मेरे को थोड़ी बहुत मेंटल स्टेट लोगों की समझ आ पाए। Who do you think is playing a good game and who do you think is lagging behind? I think if अगर मुझे कहना है कि घर में प्लेयर्स कौन कौन हैं, तो वो हैं अर्चना और शिव, वो प्लेयर्स ऑफ द हाउस हैं। बाकी सब सहा नहीं, अपनी फुटिंग क्या सही है वो हर कोई अपनी समझने की कोशिश कर रहा है, पर वो दोनों खेल रहे हैं सो वो तभी उनमें मज़ा भी आता है उनको बहुत बार देखने में। तो आई स्ट्रैटेजी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम आ सकती है, इट विल बी वेरी स्ट्यूपिड अगर मैं सोच के जाऊँ कि मैं एक पर्टिकुलर तरीके से बात करूँगा या सो ये इसके साथ ऐसे बिहेव करूँगा और या जजमेंटल होगा, तो मैं आई विल क्लोज माई सेल्फ फ्रॉम कनेक्टिंग विद पीपल, तो वो बहुत गलत होगा। मैं चाहता हूँ कि जाऊँ, टेक इट एज इट कम्स, कनेक्ट विद देम, क्या पता जो बाकियों के साथ गलत है मेरे साथ अच्छे हों, यू नो। Who are you wanting to side with this season when you enter the show? Yaar, I think Abdu aur Ankit bahut sahi acche log hain jinke sath mujhe lagta hai main meri wavelength match kar sakti hai, but main sure nahi ho sakta hu, do aaj se taali bajti hai, kya pata wo waise receptive na ho, to jo bhi hoga jiske sath jaise connect hoga wo decide karega ki kya hai, aur main kisi ke sath mandli mein hissa banne nahi ja raha hu, okay, apni khud ki mandli hum khud hain, akele hain to bhi hain और साथ में जो भी हैं तो भी है। जितना हम आपको जानते हैं आप काफी काम हैं एज अ पर्सन, हाउएवर द बिग बॉस हाउस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट, हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द बैलेंस? देखिए मुझे लगता है कि हर चीज का सलूशन झगड़ा नहीं होता है, पहली बात, और इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा आता है, और मुझे लगता है कि गुस्सा करना गलत है, मेरी खुद की समझ के लिए, सेहत के लिए, हर किसी की, वो गलत है, तो शांत भी हो जाता है, तो उसके बाद कभी भी हमें ऐसा लगता है चल यार प्यार से बात करते हैं, तो पहले ही प्यार से क्यों नहीं बात कर ली, तो वही चीज़ मैं चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो मैं कोशिश करूँगा कि वो एनर्जी और प्यार से, कि अगर मैं घर में चीख रहा हूँ या लाउड हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूँ, और सही होने के लिए सिर्फ चीखना ज़रूरी नहीं है, यू नो, लाइक यू सीन अंकित, दैट्स वाई आई लाइक दैट गाय, कि एटलीस्ट अप्रोच सेम अप्रोच है, तो आई थिंक वो मुझे लगता है कि घर में बहुत मिसिंग है, अभी वो सेपरेट होकर है, तो मैं चाहूँगा कि वो कलेक्टिवली लोग ट्राई करें, एक्सपीरियंस करें, अगर हो पाया तो बहुत अच्छा है, और मैं चाहूँगा, आई होप कि मैं उस कलेश वाली एनर्जी में नीचे ना चला जाऊँ, मैं ऐसी हायर रहूँ, बट ये तो टाइम बताएगा कि आगे जाके क्या होता है, कैसा होता है, वंस आई एम इन देयर वी विल नो हाउ आई एम। सो यू मीन यू आर ऑन द कामर साइड विद अंकित एंड सुंबुल एंड नॉट ऑन द साइड ऑफ प्रियंका एंड अर्चना? नो नो, आई एम ओनली ऑन माय साइड, ओके, आई एम नॉट ऑन एनीबडीज साइड, आई एम ओनली ऑन माय साइड, और उसका रीजन ये है कि मैं ना ही मैं सुंबुल हूँ, ना ही मैं कोई और हूँ, और ना ही जो गलत, वो जो अलाउड भी बोल रहे हैं मैं वो भी नहीं हूँ, मेरे अंदर
प्यार वाली साइड भी है, अग्रेसिव भी है, शांति समझ से भी और गुस्सा भी है. तो वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सी साइड डोमिनेंट आती है, यू नो, और वो तो वहां जाकर पता लगेगा. लास्टली, व्हाट इज दैट वन थिंग यू'ड लाइक टू टेल द ऑडियंस? आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल टू प्लीज गिव मी ऑल द लव दैट लाइक यू हैव बीन. थोड़ा अवेयर हूँ और आई एम श्योर फॉर ऑब्वियस रीजंस हमेशा ये कोशिश की है कि आपके सामने एक अच्छा नया किरदार लेकर आऊँ और आपको एंटरटेन करूँगा और आपका प्यार मिले मुझे. तो इस बार बिग बॉस करने की हिम्मत की है मैंने और बहुत खुश होकर जाना जा रहा हूँ. और आई होप कि आप अपना मुझे प्यार देते रहें, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें और मुझे अपना सपोर्ट देते रहें और बहुत सारा भर के वोट करें और मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस अ वाइल्ड कंटेस्टेंट विंस द शो. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. वेल, इफ यू एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन विद विकास, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंडिया फोरम.